नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ जेवीएन मिस्टर कन्हैयालाल नागर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई डिजिटल क्लास। स्टूडेंट, आई विल प्रिपेयर दिस लेक्चर क्लास फॉर बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स 6M। माई सब्जेक्ट पोस्ट आर वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। स्टूडेंट, आई एम डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। नाउ स्टार्ट द डिस्कस टेम्पररी प्रिजर्वेशन एंड परमानेंट प्रिजर्वेशन, टू टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन। टेम्पररी प्रिजर्वेशन इज फर्स्ट असेप्सिस, सेकेंड लो टेम्परेचर स्टोरेज, एक्सक्लूशन ऑफ मॉइस्चर एंड ड्राइंग, फोर्थ यूज ऑफ मिड एंटीसेप्टिक्स, फिफ्थ है पाश्चराइजेशन। इसके अंदर परमानेंट जो प्रिजर्वेशन होता है, इसमें फर्स्ट में स्टरिलाइजेशन, सेकेंड है बायोकेमिकल प्रिजर्वेटिव, थर्ड है बाय एंटीसेप्टिक, फोर्थ है बाय परमेंटेशन, फिफ्थ में आता है एडिशन, सिक्स बाय कार्बोनेशन, सेवन्थ बाय फिल्ट्रेशन, एट में एंटीबायोटिक्स। दी आर डिस्कस द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ए टेम्पररी प्रिजर्वेशन। टेम्पररी प्रिजर्वेशन में हम डिस्कस करेंगे असेप्सिस प्रिजर्वेशन, असेप्सिस प्रिजर्वेशन, व्हाट इज असेप्सिस, क्या होता है असेप्सिस प्रिजर्वेशन, इसमें हम डिस्कस कैसे किस टाइप से करते हैं कि द प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबाइल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द हैंडलिंग प्रोसेस एंड टिल सीलिंग एंड ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ कैन बाय ऑब्जर्विंग स्टिक क्लीनिनेस थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस इज नोन एज असेप्सिस। असेप्सिस एंड प्रिकॉशन, इसका जो प्रिकॉशन में क्या क्या सावधानी अपने को रखनी जरूरी है, टेक प्रॉपर केयर ड्यूरिंग पिकिंग एंड पिकिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स, डिस्कार्डिंग इज डिजीज एंड डैमेज प्रोड्यूस। सेकेंड है रिमूवल ब्रोसिंग और डैमेज फ्रूट वेजिटेबल्स, सेलेक्ट द मटेरियल विच इज फ्री फ्रॉम ब्लेसेस। थर्ड है रिमूव द डल्ट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज प्रेजेंट सफिशियंटली ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बाय थ्रू वॉशिंग और क्लीनिंग फॉर प्रिजर्वेशन। फोर्थ, मेंटेनिंग द स्ट्रिक्ट क्लीननेस एंड द हाइजीनिक कंडीशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूस एंड ड्यूरिंग द सीलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑन ऑफ कैंस। फिफ्थ में स्टोर इन कूल एंड ड्राइंग प्लेस, स्टोरिंग कूल प्लेस हेल्प टू मेंटेन प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट इन प्रोड्यूस एज वेल हैम्पर माइक्रोबायल ग्रोथ। सेकेंड, थर्ड में आ रहा है प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रिटार्ड द माइक्रो ग्रोथ माइक्रोबायल ग्रोथ। जो लो टेम्परेचर की जो एक्टिविटी होती है, ये ओनली माइक्रो जो बायल होते हैं इनकी ग्रोथ को और एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। इट रिटार्ड द केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको भी रोक देता है, रिटार्ड करता है। दिस इज नॉट द परमानेंट मेथड बिकॉज सम माइक्रो ऑर्गेनिज कैन आल्सो ग्रो एट लो टेम्परेचर। इसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट में सेलर स्टोरेज। ये सेलर स्टोरेज जो टेम्परेचर इसका होता है अबव द 15 डिग्री सेंटीग्रेड, रेफ्रिजरेटर जो स्टोरेज होता है ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर स्टोरेज में काम करता है। फ्रीजिंग स्टोरेज का जो -18 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड स्टोरेज टेम्परेचर। इसके बाद हम बात करते हैं सेलर स्टोरेज। द सेलर स्टोरेज अबाउट द 15 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इन द सेलर अंडरग्राउंड रूम्स
Where the surplus fruit or food is stored in many village is usually nomads belong that the outside air and seldom lower than 15 degree centigrade. The root crops, potato, cabbage, apple, onion and similar foods can store for limited period during the winter month. Second way, refrigeration. The refrigeration and the chilling, जो रेफ्रिजरेशन के अंदर जो चीलिंग टेम्परेचर होता है जीरो से लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड, द चीलिंग टेम्परेचर और ऑब्टेन एंड मेंटेन बाय मीनिंग ऑफ आइस एंड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन. मोस्ट पेसिबल फूड्स इंक्लूडिंग एज डेरी प्रोडक्ट, मीट, सी फूड्स, वेजिटेबल एंड द फ्रूट माई बी हेड इन चीलिंग स्टोरेज. जो जल्दी से ख़राब होने वाले फ्रूट्स, मीट्स, एज, जो जितने फ्रूट्स हैं उसको आइस टेम्परेचर में रेफ्रिज स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. इसके बाद में हम करते हैं बात फ्रीजिंग. फ्रीजिंग, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग? जो फ्रीजिंग का जो अबाउट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -18 to -14 degree centigrade एट द टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग अबाउट H2 ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द एंजाइम एक्टिविटी आर द रेड्यूज मिनिमम. But sometimes enzymes are active even below 0 degree centigrade. 0 degree centigrade से भी कम जो टेम्परेचर रखा जाता है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर आता है. एंड इसके बाद में आता है द मोस्ट पेरिशेबल फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर सेवरल मंथ. जो एक पेरिशेबल फूड होता है, जल्दी से ख़राब होने वाले फूड होते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं कई मंथ के लिए. द फ्रूट, वेजिटेबल, जूस एंड फ्लैशी फूड्स etc. आदि सी, मतलब जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूस एंड प्लेसी फ्रूट्स होंगे उन सबको हम प्रिजर्व कर सकते हैं इन दिस मेथड. इसके बाद हैं प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग. अब प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग के अंदर बात करते हैं. ड्राइंग इज जस्ट रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द फूड टू द सर्टेन लेवल ऑफ एट द विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इज कॉल्ड ड्राइंग. जो ड्राइंग प्रोसेस होती है प्रिजर्वेशन की, इसमें हम मॉइस्चर को रिमूव करते देते हैं किससे, फूड से. इट कैन डन बाय द टू मेथड्स. इसके दो मेथड्स होते हैं. पहला है सन ड्राइंग, दूसरा है मैकेनिकल ड्राइंग. और जो इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ हीट होती हैं, एप्लीकेशन हीट के अंदर सन ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीजिंग ड्राइंग एंड बाइंडिंग दो मेथड में आता है. फर्स्ट मेथड है हीट वाला, जो एप्लीकेशन हो इसमें इस टाइप से आ रहा है. सेकेंड में है बाइंडिंग द मॉइस्चर इन फूड, इसमें आता है यूज ऑफ सुगर्स, यूज ऑफ साल्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट. जो एप्लीकेशन हीट के अंदर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट में सन ड्राइंग. व्हाट इज द सन ड्राइंग? द सन ड्राइंग इज मेथड इन विच फूड द डायरेक्टली एक्सपोज द सनलाइट. इट इज जनरली डन इन द प्लेस वेयर द प्लेंटी द सनशाइन इज अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड्स, एग्जाम्पल राजस्थान. इसके बाद में मैकेनिकल ड्राइंग. दिस इज द मेथड ऑफ द ड्राइंग वेयर द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज अप्लाई बाय मैकेनिकल ड्रायर अंडर द कंट्रोल कंडीशन. इसके अंदर आता है द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर फ्लो. वैक्यूम ड्राइंग. व्हाट इज द वैक्यूम ड्राइंग? आर डिस्कस द टेम्परेचर ऑफ द फूड एंड द रेट ऑफ वाटर रिमूवल आर कंट्रोल बाय रेगुलेटिंग द डिग्री ऑफ वैक्यूम एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट इनपुट. इसके अंदर हम हीट को इनपुट करते हैं. इसके बाद करते हैं फ्रीजिंग ड्राइंग. डी जो फ्रीजिंग ड्राइंग है, इस मेथड के अंदर हम बात करते हैं जो फूड होता है उसको ड्राइंग कर लेते हैं दिस प्रोसेस के अंदर. एंड द जस्ट द कन्वर्टिंग एंड द फूड इनटू आइस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फ्रॉम वाटर. जो वाटर से जो लिक्विड का फॉर्म बन के स्टार्ट होता है, ये एक ड्राइंग फॉर्म काम करता है फ्रीजिंग के अंदर, फ्रीजिंग मेथड से. इसके बाद है यूज ऑफ माइल्ड एंटीसेप्टिक्स. जो फोर्थ हैं यूज ऑफ मिड एंटीसेप्टिक्स. इसमें हम बात करते हैं कि एंटीसेप्टिक इज स्मॉल क्वांटिटी प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. इसकी जो माइक्रोबायल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर देता है. इसके बाद हैं पाश्चुराइजेशन. फिफ्थ पॉइंट है इट द मिड हिट द ट्रीटमेंट टेम्परेचर. जो इसका जो टेम्परेचर होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, वह एक मीडियम टाइप से हीट होता है. बाय द पाश्चुराइजेशन, मिल्क पाश्चुराइजेशन बाय द एच टी एस एस टी एट
72 degree centigrade for 15 seconds. Fruit juice are the pasteurized at the such temperature and for such period as the old, tender than the sterilized. Without impairing their flavor, usually the juice are the pasteurized at the time 85 degree centigrade for 25 to 30 minutes according to nature of juice and the size of the containers. Acid fruits juice require lower temperature and the less time the pasteurization and less acid ones. मतलब ये इसका कहना है कि जो एसिड फ्रूट्स हो गए जितने भी उनको लो टेम्परेचर में हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए. इसके बाद हैं बी पॉइंट में परमानेंट प्रिजर्वेशन. जो परमानेंट प्रिजर्वेशन होता है इसमें हम फर्स्ट नाउ दी डिस्क्राइब प्रिजर्वेशन बाय हाई टेम्परेचर. इसको हम हाई टेम्परेचर के द्वारा ही प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ किल ऑफ दी फ्रॉम ऑफ माइक्रोबाइल लाइफ इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन. इसके हम इसके अंदर बात करते हैं जो माइक्रोबाइल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने की प्रोसेस होती है जिसे स्टरलाइजेशन कहा जाता है. स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट आर द सील टू प्रिवेंट एम्प्टी ऑफ लाइफ माइक्रोबाइल फ्रॉम आउटसाइड. द टेम्परेचर एंड द टाइम रिक्वायर फॉर स्टरलाइजेशन वेरीज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट. The various method of sterilization are the below. नीम टाइम मतलब कई प्रकार के इसके तीन टाइप के स्टरलाइजेशन के प्रकार व टाइप्स हैं. पहला है स्टरलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जाम्पल यूज फॉर फ्रूट जूस. सेकेंड है वन टाइम हीटिंग एट द रेट कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स. इसके बाद है इंटरमीडिएट प्रोसेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. हम कैनिंग की बात करते हैं एग्जाम्पल में. द कैनिंग इज डन और अबव द 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन केस ऑफ फ्रूट्स विच आर एसिडिक्स दे आर कैन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल इन केस वेजिटेबल्स दो आर नॉन एसिडिक्स दे आर कैन एट अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जो इसमें बात करते हैं जो फ्रूट जितने भी फ्रूट की जो क्वालिटी है फ्रूट्स उनको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. बट जो वेजिटेबल्स जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव प्रिजर्व करेंगे जिसके अंदर नॉन एसिडिक फ्रूट्स होते हैं. हेयर आई द टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेंड एंड यूजिंग द स्टीम प्रिजर्व टाइम वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रूड्स ड्यू टू एनएरोबिक कंडीशन एनी सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म वुड नॉट ग्रो. सेकेंड है प्रिजर्वेशन बाई यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव. द केमिकल प्रिजर्वेटिव इन द सब्सटांस विच आर द एडिड द फूड जस्ट द रिटार्ड इन बीट और अरेस्ट द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द फर्मेंटेशन स्पेसिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फूड. आगे बात करते हैं केमिकल प्रिजर्वेशन आर टू टाइप्स. जो केमिकल्स के दो टाइप्स होंगे उसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. पहला है क्लासिफिकेशन फर्स्ट. इसमें प्रिजर्वेटिव कॉमन साल्ट सुगर्स डेक्सट्रोस स्पाइस विनीगर्स एस्कॉर्बिक एसिड्स एक्सेट्रा. सेकंड में बात करते हैं प्रिजर्वेशन का क्लास सेकंड्स बेंजोइक एसिड्स एंड इट्स साल्ट्स. इसके बाद है SO2 एंड द साल्ट इज ए सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेट. प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेटिव ओनली टू केमिकल्स प्रिजर्वेटिव आर यूज फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन. फर्स्ट में बात करते हैं KMS पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड्स. दे इट रिलीज एंड द SO2 एंड इट इज ए अनसेटेबल. इट इज सेकेंड में इट इज यूज फॉर फ्रूट विच हैव वन नॉन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स. मतलब कलरलेस जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर हम प्रिजर्व कर सकते हैं. उसे प्रिजर्व करने में एक सहायक होता है. इट कैन नॉट बी यूज इन नेचुरल कलर्स जूस सच एज द पालसा जामुन बिकॉज दे हैव एंथोसाइनिन पिगमेंट्स. फोर्थ में इट कैन नॉट बी यूज इन द प्रोडक्ट विच ए पैकेज कंटेनर बिकॉज इट एक्ट ऑन द इन कंटेनर एंड द ऑयल हाइड्रोजन सल्फाइड्स H2 विच हैज द अनप्लीजेंट स्मेल एंड आल्सो फॉर्म द ब्लैक कंपाउंड्स विद ए
बेस प्लेट ऑन कंटेनर्स। फिफ्थ में बात करते हैं बेस्ट ऑफ कंट्रोनल मॉल्ड देन बैक्टीरिया एंड 335 ppm मतलब 300 से 350 ppm KMS पोटी मेटाबाइ सल्फेट पोटेशियम मेटाबाइ सल्फाइड्स इट्स मोस्टली यूज फ्रूट जूस प्रोडक्ट। सेकेंड में बात करते हैं पोटेशियम मेटाबाइ पोटेशियम बेंजोइट्स। तो पोटेशियम बेंजोइट्स आर इट इज़ द साल्ट एंड बेंजोइक एसिड्स एंड सोल्यूबल इन वाटर। सेकेंड में इट डिले द फर्मेंटेशन इन जूस। जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस चलती है रिएक्शन वह एक ढीले टाइप से काम करती है मतलब टाइम लेके काम चलाता है इसका। इट इज़ द कॉमनली यूज इन द प्रोडक्ट विच द हैविंग द नेचुरल कलर सच एज द एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। ये सबसे अच्छा काम करती है जो एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होता है जिन फ्रूट्स में इसके अंदर ही सबसे बेस्ट काम करता है। इसमें इट इज़ द मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द ईस्ट। ये जो अगेंस्ट जो ईस्ट होता है इसके प्रति ये बहुत ही सहायक होता है। एंड इसका जो मेन रोल है दी जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए सोडियम बेंजोइट की 750 मतलब इसमें 750 ppm सोडियम बेंजोइट इज दी मोस्ट यूज इन दी फ्रूट जूस एंड स्क्वेस एंड कॉर्डियल। लास्ट में है तीसरा थर्ड पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय द यूज इन द एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स के अंदर आते हैं शुगर साल्ट एसिड एंड विनीगर्स। हम बात करते हैं शुगर्स। शुगर्स की जो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 68 to 70% यूज फॉर द प्रिपरेशन जैम जेली मार्मलेट्स एंड एक्सेट्रा। शुगर एक द प्रिजर्वेशन एंड द ऑस्मेटिक एंड नॉन द ट्रू पॉइजन फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये पॉइजन का काम करती है प्रिजर्वेशन के अंदर। एंड साल्ट जो साल्ट होती है उसकी कंसंट्रेशन लगभग 15 to 20% यूज फॉर प्रिपरेशन सच एज द पीकल्स। जो पीकल्स होगा पीकल्स के अंदर हम प्रिजर्व करते हैं तो इसमें 15 to 20% उसकी कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद में जिससे क्या होता है कि जो इसका जो इंजाइम्स होता है इंजाइमेटिक ब्राउनजिंग एंड डिसकोलोरेशन के लिए सबसे सहायक होता है। इसके बाद में आती हैं एसिड्स। जो एसिड होता है मेनी प्रोसेस फूड एंड द बेवरेज नीड एडिशन ऑफ एसिड्स इम्पेक्ट दियर द करेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर एंड द टेस्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज एसिड द प्रोवाइड डिजायर्ड फ्लेवर्स एंड टेस्ट। ये जो एसिड्स होता है ये एक डिजायर्ड बना के ये फ्लेवर्स और जो टेस्ट होता है उनको अच्छे से डिजायर्ड बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद में एसिड्स के अंदर हम बात करते हैं पहला एसिटिक एसिड्स साइट्रिक एसिड्स दो टाइप के होंगे। उसमें हम पहले बात करते हैं जो पीकल्स होते हैं पीकल्स के अंदर जिसको एसिड्स को यूज करते हैं जैसे कि किस किस में पीकल्स में चटनी में सॉस में एंड केचप जूस केचप के अंदर। इसके बाद जस्ट डू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होते हैं उसको इनहिबिट करता है मतलब कम करता है। इसके बाद है साइट्रिक एसिड। जो साइट्रिक एसिड होता है ये जैम जेली एंड स्क्वेस नेक्टर आदि के अंदर ये काम करता है। इसके बाद है ऑयल। जो ऑयल होता है ये भी एक प्रिजर्वेशन का काम करती हैं जो एक सरफेस जो फूड होते हैं फूड प्रोडक्ट उनके ऊपर एक सरफेस का लेयर का काम करती हैं। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस मेनी फूड प्रोडक्ट एनरोबिक कंडीशन जो एक एनरोबिक कंडीशन का काम करती हैं विच दी प्रिवेंट एंड द ग्रोथ ऑफ मॉल्ट एंड द वीस्ट जो ईस्ट ऑफ मॉल्ट होता है इसकी ग्रोथ को कम करता है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय द फर्मेंटेशन। इसमें आता है डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम दी कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ये किसके द्वारा होती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोजिशन करते हैं एक एंजाइम फॉर्म में एंड द फूड आर द प्रिजर्व बाय द एल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म बाय द बायो माइक्रोबायल एक्शंस। दी कीप क्वालिटी ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज विनीगर एंड द फर्मेंटेशन पीकल्स ठीक है ओके। इसके बाद में है प्रिजर्वेशन बाय द इरीडेशन। जो इरीडेशन के द्वारा हम प्रिजर्वेशन करते हैं इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि स्टेलाइजेशन ऑफ फूड बाय द आयनाइजिंग इरीडेशन इज द रिसेंटली डेवलप मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ये अभी प्रेजेंट समय पे ये सबसे ज़्यादा इसका प्रिजर्वेशन किया जा रहा है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा एक हार्मफुल बहुत ही कम हार्मफुल होता है फूड्स के लिए। दी ए अनएक्सेप्टेबल फ्लेवर्स ऑन सम द इरीडेशन बोर्ड फूड एंड दी फियर द एयर रेडियोएक्टिव माइट दी इंडक्ट एंड द सजेस्ट द फूड एंड द वन कम इन वे इन
इट्स ग्रेटर यूज, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय दी कार्बोनेट्स, कार्बोनेशंस, जो कार्बोनेशन इज द प्रोसेस, जो कार्बोनेशन इज द प्रोसेस इज द डिजॉल्व सफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर और बीवरेज टू हेड द प्रोडक्ट वेन सेव्ड गिव ऑफ द गैस एट फाइन बबल्स, ये कि बबल्स के फॉर्म में CO2 का जो बबल्स के फॉर्म में ये जनरेट काम करती है। और इसके बाद हम बात करते हैं CO2 कंटेन द वेरियस फ्रॉम द 1 to 8 ग्राम पर लीटर, जिसमें कार्बो जो कार्बोनेशन होता है, कार्बोनेशन के अंदर जो मेन काम है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 1 to 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जो एनरोबिक कंडीशन का काम करती है। उसके बाद में प्रिजर्वेशन बाय दी फिल्ट्रेशन, जो प्रोसेस है वो नंबर की, इसमें द फिल्ट्रेशन इज दी ओनली सक्सेसफुल मेथड फॉर दी कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कंप्लीट पूरी तरीके से ये रिमूव कर देता है ऑर्गेनिज्म को, ये सक्सेसफुल मेथड्स हैं। एंड यूज दी लिमिटेड एंड क्लियर लिक्विड, द लिक्विड इज ए फिल्टर फ्रॉम ए प्रीवियस स्टरलाइज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मेड द सिंटर्स क्लास, इसमें यही बताया कि यह एक सबसे सक्सेसफुल मेथड होता है, सबसे अच्छा मेथड है, और इसके अंदर हम पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद में हम बात करते हैं यह सिमिलर मेटल एंड द लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म को एक अच्छे तरीके से फिल्टर करता है। ओके, आगे हैं 8 पॉइंट में प्रिजर्व बाय द एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं किसे प्रिजर्व करते हैं, कि इसमें सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन द फाउंड दी हैव बीन द जर्मिसाइडल इफेक्ट एंड आर द टर्म एज एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक प्रोसेस होती है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनको डिएक्टिव कर देता है। इसके बाद ये फर्स्ट में हम बात करते हैं नाइसिन, जो नाइसिन एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट होता है, जो नाइसिन होता है इज ए एंटीबायोटिक प्रोडक्ट बाय किससे बनता है, जो नाइसिन एंटीबायोटिक प्रोडक्ट किससे बनेगा, ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, द कॉमन फाउंड इन द मिल्क, जो ये एक मिल्क कर्ड एंड चीज एंड अदर फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, इट इज नॉन टॉक्सिक, ये कोई टॉक्सिक नहीं होता है। एंड इसके बाद में यूज द फूड इंडस्ट्री स्पेशली फॉर प्रिजर्वेशन एसिड फूड्स इन विच दी मोर स्टेबल एंड यूज दी कैनिंग मशरूम टोमेटो एंड मिल्क प्रोडक्ट आदि, इसमें जो एग्जाम्पल में मशरूम टोमेटो एंड मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है नाइसिन प्रिजर्वेशन के फॉर्म में। इसके बाद में है सबटीलिन, जो सबटीलिन जो प्रिजर्वेशन होता है एंटीबायोटिक का, उसको हम किसके अंदर यूज करते हैं, ये सबसे पहले इसका है जो ये प्रिजर्वेशन है ये बेसिलस सबटिलिस ऑर्गेनिज्म से निकाला है इसका, और जो इसका स्ट्रेंथ है और इसका जो यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के फॉर्म में, ये कॉर्न पी एस्पेरिगस आदि में यूज किया जाता है। इसके बाद हैं फिमरिसिंस, जो फिमरिसिंस होते हैं ये एक एंटीफंगस एंटीबायोटिक फॉर्म है, जिसे हम एक ट्रीटमेंट करते हैं फ्रूट और फ्रूट जूस का। थैंक यू।